1000 करोड़ रुपए का एक घोटाला था, अभी चोरी ने भी लूटा है। इस दिल्ली को गजनी ने भी लूटा है, आजादी ने भी लूटा है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आप दोनों का गठन जो हुआ था वो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए और लोकपाल को स्थापित करने के लिए हुआ था। तो आज कांग्रेस पार्टी केजरीवाल जी से पूछना चाहती है, मिस्टर केजरीवाल वेयर इज लोकपाल? और आज केजरीवाल जी के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के ना केवल ईडी चार्जेस लगा रहा है बल्कि सबूत भी दे रहा है। तो ऐसे समय के ऊपर दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि इसकी इंक्वायरी करने के लिए हम किसका दरवाजा खटखटाएं? और मिस्टर केजरीवाल वेयर इज लोकपाल? केजरीवाल जी ने अब लोकपाल के ऊपर शोर मचाते अब अपने मुंह के ऊपर लोकपाल का नाम लेना ही बंद कर दिया, उसके ऊपर ताला लगा दिया कि दिल्ली विधानसभा के अंदर स्पेशल सेशन हर विषय के ऊपर, किसी ना किसी विषय के ऊपर बुलाया जाता है, और पावर चाहिए उसके लिए बुलाया जाता है। एमएलए को साथ में पैदल मार्च करके उपराज्यपाल निवास के ऊपर प्रदर्शन करा जाता है कि टीचर्स को फिनलैंड भेजा जाए। एलजी हाउस में वेटिंग रूम के अंदर एयर कंडीशन कमरे के ऊपर अंदर धरना दिया जाता है, एक एक दो दो दिन तीन तीन दिन लगातार की पावर और दी जाए। लेकिन 2014 के बाद से अब तक के पिछले 9 वर्षों के अंदर क्या केजरीवाल जी ने एक बार भी कोई प्रदर्शन लोकपाल के लिए किया? जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकेंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाए? तो आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है। देखिए, शराब नीति में जिस प्रकार से डिप्टी सीएम का नाम आया था, आज सीधा सीधा मुख्यमंत्री का नाम आ गया है। आज इनकी जो सप्लीमेंट्री एफआईआर जो चार्जशीट में उनका नाम आना, इस ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी नेता है, निकम्मे और नकारा मुख्यमंत्री है दिल्ली के। मैं मांग करता हूँ कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दें और दिल्ली की जनता को जो उन्होंने ठगने का और छलने का काम किया है उस माफ़ी मांगे दिल्ली की जनता से। देखिए, ईडी फर्जी नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि क्या फर्जी है क्या फर्जी नहीं है, इनकी बहुत हो गई मनमर्जी। ये आम आदमी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही हैं फर्जी।